हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको तुतलाना या हकलाना के विषय में किन घरेलू उपायों को आपको इस्तेमाल करना है इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको इससे जुड़े 5 नुस्खों के बारे में बताएंगे। बच्चे यदि एक ताज़ा हरा आंवला रोज़ाना कुछ दिनों तक चबाए तो उनका तुतलाना या हकलाना दूर हो जाता है। जीभ पतली और आवाज़ साफ आने लगती है। मुख की गर्मी भी इससे दूर हो जाती है। दोस्तों, हमारे दूसरे नुस्खे में बादाम की गिरी 7 दाने और काली मिर्च 7, दोनों को लेकर कुछ बूंद पानी में घिसकर चटनी सी बना लें और उसे थोड़ी सी मिश्री मिलाकर तैयार कर लें। इस मिश्रण को प्रातः खाली पेट 15 दिनों तक लगातार सेवन कराने से तुतलाना और हकलाना दूर हो जाता है। इसके अलावा काली मिर्च को महीन पीसकर उसका चूर्ण बना लें और प्रातः मक्खन के साथ मिलाकर खाने से कुछ ही दिनों में हकलाहट दूर हो जाती है। फुला हुआ सुहागा शहद में मिलाकर जीभ पर रगड़ने से बच्चे का हकलाना भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, हमारा 5वां और आखिरी नुस्खा इस तरह है। हरा धनिया और अमलतास के गूदे को पानी में घिसकर रख लें और उसी पानी को 21 दिन लगातार बच्चे को कुल्ले कराने से जीभ पतली हो जाती है और बच्चे की हकलाहट दूर हो जाती है। दोस्तों, ये सभी आजमाए हुए नुस्खे हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो और ये जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।